सिंपल वर्ड में आप यूँ समझ लें कि अगर कोई सिस्टम इक्लिब्रियाम में है अब आप उस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग कंसनट्रेशन प्रेशर वॉलीम टेम्परेचर वो सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को नलीफाई करे और दोबारा इक्िब्रियम में आ जाए तो उसने ली लिशेटलीर प्रिंसिपल को अबे किया है अगर उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को नलीफाई नहीं कर सकता डेट सिस्टम इक्लिब्रीम जो था अब नॉन इक्विब्रियम में चला गया है तो ली लिशेटली प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा टली प्रिंसिपल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैटलिस्ट यहां पर दो टर्म्स है केसी एंड क्यू क्यू क्या है रेशियो है रेशियो किसकी है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की जो रेशियो है उसे हम क्यों कह रहे हैं केसी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है यारखिए के सी कंसेंट्रेशन से चेंज नहीं होगा क्यू चेंज होगा प्रेशर से चेंज नहीं होगा क्यू चेंज होगा नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ये चेंज होगा टेम्परेचर से के भी चेंज होगा और क्यू भी चेंज होगा और कैटलिस्ट से दोनों चेंज नहीं होंगे सो so, पर अगर आप दो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझें, इज जस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर के सी टेम्परेचर के अलावा किसी से चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर से के सी भी चेंज होगा और क्यू भी चेंज होगा ये दोनों टेम्परेचर से चेंज होंगे और दोनों किससे चेंज नहीं होंगे कैटलिस्ट से ना इफेक्ट होगा केसी के ऊपर और ना ही इफेक्ट होगा क्यू के ऊपर रेशियो के ऊपर कैटलिस्ट का काम क्या होता है तीन पॉइंट्स आपने याद रखनी है कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा और कैटलिस्ट मैकेनिज्म पाथवे फॉलोड बाय द रिएक्शन उसको चेंज करेगा ये तीन पॉइंट आपने याद रखनी है बट नो इफेक्ट ऑन द केसी नो इफेक्ट ऑन क्यू मीन रेशो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अब हम वन बाय वन इन इफेक्ट को डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सो यार कीजिएगा अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन गो टू फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे

और अगर हम रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा सपोज डेट हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी तीन इसमें रिएक्टेंट है और डी प्लस एफ और तीन ही इसमें प्रोडक्ट है मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने इंक्रीज किया है मीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है अब ऑप्शन देखिएगा अल्फा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीज होगी बीटा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिक्रीज होगी चालीस ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ ई डिक्रीज होगी और डेल्टा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ एफ डिक्रीज होगी अब जरा आप गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि हमने किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया हमने रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया वी नो डेट जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा ओके जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी सो अगर हम ऑप्शन देखें डेल्टा ऑप्शन एफ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी नहीं इसकी इंक्रीज होगी ई की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ई भी इंक्रीज होगा डी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी वो भी डिक्रीज नहीं होगी वो भी इंक्रीज होगा सो so, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन में मौजूद हो किसी एक की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी और सब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होगी बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है so, अगर आप यहां देखो हमने रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन गो टू फॉरवर्ड जब फॉरवर्ड जाएगा तो बी की कंसेंट्रेशन भी कम होगी सी की कंसेंट्रेशन भी कम होगी सो व्हाट विल बी द आंसर अल्फा बी की कंसेंट्रेशन कम होगी क्योंकि जब हम A में इंक्रीज करेंगे ऑफ़ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा होगी इन शॉर्ट रिएक्टेंट में से किसी ए की कंसेंट्रेशन बढ़ाएं रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे रिएक्शन बैकवर्ड ठीक है और अगर रिएक्टेंट में से किसी एक की कि कंसंट्रेशन आप कम करोगे तो रिएक्शन अगेन बैकवर्ड होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा बट कंसंट्रेशन चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज होगी बट नो इफेक्ट ऑफ के सी के सी रिमेन द सेम के सी कॉन्स्टेंट रहेगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा मीन अगर आपको के सी की वैल्यू दी जाए और ये पूछा जाए कि कंसंट्रेशन को डबल करने से केसी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा नो इफेक्ट बिकॉज के सी इज जस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर क्या है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्स रेट करते हैं अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट कहां नहीं होता नंबर वन पॉइंट सॉलिड नंबर टू पॉइंट लिक्विड नंबर थ्री पॉइंट गैस वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो याद रखिएगा इन तीनों स्टेट में अगर सब के सब रिएक्टेंट सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में डेल्टा इज इक्वल टू तो जीरो याद रखिएगा नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर प्रेशर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा लाइक अगर हम यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन विच इज इन गैशियस स्टेट प्लस आयोडीन आल्सो इन गैशियस स्टेट इक्विलिब्रियम में रिएक्शन टू एच आई

सो so, जो डेल्टा एन जीरो है सो नो इफेक्ट ऑन दिस रिएक्शन रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अब हम ये देखेंगे जो तो किस रिएक्शन पे इफेक्ट होगा अगर यहाँ भी इफेक्ट नहीं होगा तो फिर किस टाइप के रिएक्शन पे इफेक्ट होगा याद रखिएगा उस गैशियस रिएक्शन पर इफेक्ट होगा वेयर डेल्टा एन नॉट इक्वल टू जीरो जहां डेल्टा एन जीरो नहीं है वहां पर इफेक्ट होगा वहां इफेक्ट क्या होगा दो पॉइंट आपने याद रखने हैं और आपको प्रेशर और वॉल्यूम के सारे इफेक्ट क्लियर हो जाएंगे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें सो so, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस नंबर ऑफ मोल्स आर लेस जहां पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे प्रेशर को डिक्रीज करेंगे रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज्यादा होंगे उस साइड पर रिएक्शन मूव करेगा फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन देखते हैं एन टू प्लस थ्री एच टू प्रोडक्ट इज टू एन एच थ्री और सब के सब जो है वो गैशियर स्टेट में है अब आपने बताने कि अगर हम इस रिएक्शन पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वट इज द इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मोल्स हैं प्रोडक्ट में टू मोल्स हैं सो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किस साइड पर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है सो रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विब्रियम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे equilibrium disturb होगा. So reaction उस साइड पर जाएगा जहां मोल है इक्वलीब्रियम अगेन प्रेशर चेंज करने से केसी के को ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा केसी रिमेन द कॉन्स्टेंट केसी जस्ट टेम्परेचर से चेंज होगा प्रेशर से चेंज नहीं होगा याद रखिएगा इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट सेम होगा मीन अगर जैसे यहां पर हमने बात की प्रेशर को इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड मूव करेगा सो अगर हम यहाँ पर ये भी कह सकती हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम से रिएक्शन किस साइड पर जाएगा तो सेम इफेक्ट है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा सो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट सेम होगा नेक्स्ट हम देखें थिरोटिकल स्टडी ऑफ ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम पर थर्ोटिकल स्टडी को हम अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और देन हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी का इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम दो तरह के हम स्टडी करेंगे फर्स्ट हम थोटिकल स्टडी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम का और देन हम स्टडी करेंगे क्वान्टिटेटिव uh, स्टडी को फर्स्ट में थियोटिकल स्टडी को अगर आप अंडरस्टैंड करें आ, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखू एच टू ओ लिक्विड एंड एच टू ओ गैस ठीक है ये डायनामिक इक्लेब्रियम रिएक्शन है अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पर जो लिक्विड है वाटर और प्रोडक्ट में भी वाटर है तो ये केमिकली सेम स्पीशीज है अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि कहां कहां रिएक्शन नहीं, नहीं होगा लिक्विड पे इफेक्ट नहीं होगा सॉलिड पे इफेक्ट नहीं होगा ठीक है लेकिन यहां पर जो है वो कहां पर है लिक्विड और गैस हमारे पास आ गए मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं कि इस रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करने से कोई चेंज नहीं आएगा क्यों वो कहते हैं दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है या एक लिक्विड और एक गैस है कोई इफेक्ट नहीं होगा यार रखिएगा जो भी हमने प्रीवियस में इस स्लाइड पर जो हमने स्टडी किया दिस इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए है अगर आप गौर करें फर्स्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था कि इनके दरमियान कौन सा इक्विलिब्रियम है फिजिकल इक्विलिब्रियम क्यों वाटर वाटर सेम स्पीशीज भी है में है ठीक है में ठीक सो दोनों पर एक साइड पर लिक्विड है और एक साइड पर गैस है सो so, लिक्विड और गैस को अगर हम कंपेयर करें एक तरफ लिक्विड और एक तरफ गैस है तो हमारे पास जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज होगी ठीक है अब क्या चेंज होगा प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उस साइड पर होगी जहां पर वॉल्यूम कम है जहां वॉल्यूम कम है सो so जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन किस साइड पर आएगा डेफिनेटली टूवर्ड्स द लिक्विड मूव करते हैं वन मोर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एच टू ओ लिक्व और एच टू ओ सॉलिड लिक्विड और सॉलिड की अगर हम बात करें इंक्रीज so, so करें, तो करें। so, करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा टू वर्ड्स द वॉटर जहां वॉल्यूम कम है इसकी दो ऑप्शन आ सकती है इसी इक्वेबरियम में बाई इंक्रीजिंग प्रेशर इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे मोर आइस विल बी मेल्टेड या मोर वॉटर विल बी फॉर्म दोनों ऑप्शन करेक्ट है मोर आइस बेल्ट होगी तो आइस वॉटर में चेंज हो रही है मोर वाटर तब भी आइस वाटर में चेंज हो रही है सो so, आपने यहाँ पर याद रखने की रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो आइस से लिक्विड वाटर की तरफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगा सो बाई चेंजिंग द प्रेशर यहाँ पर यह दोनों एग्जाम्पल जो मैंने कोड किए ये फिजिकल इक्विब्रियम की है ये केमिकल इक्विब्रियम की नहीं है सो so, अगर हम बात करें केमिकल इक्विब्रियम में लाइक पीसीएल फाइव

नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है अब इसमें आपने ये पॉइंट अंडरस्टेंड करने कि अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा न्यूमिनेटर में यहाँ पर वॉल्यूम न्यूमिनेटर में है और यहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो यहाँ आपने डेल्टा एन की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है यहाँ देखिएगा जब वॉल्यूम न्यूमिनेटर में होगा वहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी जहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा वहाँ डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी इसको भी समझिएगा पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू तब होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी मीन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट थ्री हैं और रिएक्टेंट टू हैं थ्री माइनस टू आंसर आपके पास प्लस आ रहा है नेगेटिव होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी अब यहां पर हमने जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी किया था इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट सेम था सो यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट के मोल्स कम है ठीक है सो अगर हम इस इक्वेशन पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड जहाँ मोल्स कम होंगे तो कम किसके हैं प्रोडक्ट के काम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा यहाँ किसके काम है रिएक्टेंट के काम है जहाँ डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन हैज़ टू तो गो बैकवर्ड सो अगर आपको ये रिएक्शन दिया गया हो इस तरह से एक्सप्रेशन दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से या वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी तो आपने वॉल्यूम को देखना अगर वॉल्यूम न्यूमिनेटर में है तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी और अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसी से आप बता सकते हैं क्लियर हो, हो, तो हो जाएगा टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में हम स्टडी करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा हम दोनों में देखेंगे टेम्परेचर और टेम्परेचर एक वो वाहि पैरामीटर है जिससे कैसी भी चेंज होगा प्रेशर से चेंज नहीं होगा वॉल्यूम से चेंज नहीं होगा कंसनट्रेशन से चेंज नहीं होगा जस्ट इफेक्ट बाई टेम्परेचर टेम्परेचर से कैसी भी चेंज होगा सो so, हम दो रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या चेंज आएगा सो so, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करती है तो आपने उस रिएक्शन की फेवर की है और जब रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा और एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा जब हम किसी की फेवर करती हैं तो डेफिनेटली वो आगे जाते हैं पीछे नहीं आता हम यहाँ पर एक्सो में भी फेवर कर रहे हैं और एंडो में भी फेवर कर रहे हैं याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपने याद रखना है केस ऑफ टेम्परेचर जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा के सी ऑलवेज इंक्रीज के सी हमेशा इंक्रीज होगा सो so यहां पर भी के सी जो है वो इंक्रीज होगा और अगर हम यहां बात करें तो यहां भी के सी इंक्रीज होगा क्यों इंक्रीज होगा बिकॉज के सी इज द रेशियो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट

स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट ठीक है सो यहाँ भी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल अब सेकेंड केस में क्या होगा डेफिनेटली सेकेंड केस में इसके ऑपोजिट होगा यहाँ पर केस ही डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्रोडक्ट में और यहां भी क्या होगा यहाँ भी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्रोडक्ट से एंड द लास्ट फैक्टर बाई चेंजिंग टेम्परेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वह है सॉलेबिलिटी सॉलेबिलिटी का अपने पॉइंट याद रखना है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो सॉलेबिलिटी विल इंक्रीज सॉलेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड्रोथर्मिक टेम्परेचर में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अगेन जो सॉलेबिलिटी है सॉलेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन जो होगी वो इंक्रीज होगी जैसे अब शुगर लें एक आइस कोल्ड वाटर में ऐड करें सेम वन ग्लास वाटर ले लें ले आप ठीक है और उसमें आपने फोर टी स्पून जो है वो शुगर ऐड कर लें या आप आइस कोल्ड वाटर लें अनदर ग्लास ऑफ वाटर लें रूम टेम्परेचर का वाटर लें उसमें भी आप फोर टी स्पून शुगर ऐड करें दोनों को मिक्स करना शुरू करें तो आप नोट कीजिएगा कहां पर जल्दी शुगर डिजोल्व होगी डेफिनेटली जो रूम टेम्परेचर का वाटर है वहां जल्दी डिजॉल्व होगी जो आइस कोल्ड वाटर होगा वहां पर लेट डिजॉल्व होगी रीजन क्या होगी वहां टेम्परेचर कम है सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जब टेम्परेचर ज्यादा पर सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वो वाहिद फैक्टर है अली शटली प्रिंसिपल का जहां पर के सी चेंज होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी डेट टोटली डिपेंड अपॉन टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है उसके तो अकॉर्डिंग जो है वो आप टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को जो है वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर तो याद रखिएगा कैटलिस्ट जो है ये कोई इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर सो so, कैटलिस्ट का क्यू के ऊपर नो इफेक्ट कैटलिस्ट का के सी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं है सो so, तीन पॉइंट आपने याद रखने केटलिस्ट के क्या फंक्शन है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं

n2 nh3 ये तीनों फैक्ट हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सो so, इसकी स्टेटमेंट में मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हमने यील्ड की बात की है रेट की बात नहीं की देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड रेट यील्ड क्या है इसको गौर से समझ लीजिएगा यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रेट क्या है जितने टाइम पीरियड में आपको प्रोडक्ट की अमाउंट मिली है वो उसका रेट है तो यील्ड अमाउंट है इन शॉर्ट यू कैन से और रेट जो है टाइम पीरियड है जिसमें हमें वो अमाउंट मिल रही है सो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हमें कहां पर मिलेगी सो एल्फा ऑप्शन इज कॉन्टिन्यूस विदड्रॉ ऑफ अमोनिया अगर हम अमोनिया की कंसेंट्रेशन को कंटिन्यूसली विद्रॉ करें तब हमें मिलेगी या बीटा ऑप्शन हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो मैक्सिमम यील्ड होगी सो चालीस ऑप्शन टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करें तो मैक्सिमम यील्ड होगी और डेल्टा ऑप्शन ऑफ तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर होगा तीनों फैक्टर जो है, इसके इसकी फेवर में सो आल ऑफ दीज पर हमारे पास मैक्सिमम यील्ड मिलेगी अभी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे कि रेट और यील्ड में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है सो so, यहाँ पर अभी हमने जो तीनों फैक्टर स्टडी किए थे उनको अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर हार्मोनिया को विड्रॉ करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा प्रेशर को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो यील्ड ज्यादा होगी यील्ड की अमाउंट ज्यादा होगी नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है तो यहां पर हम अगर देखें इंट्रोडक्शन में

जो एनर्जी रिलीज हो रही है एक मोल की नहीं है अगर एक मोल का होगा तो इसका हाफ हो जाएगा यहां पर मुनिया टू मोल रही है ये मोल्स की एनर्जी है सिमिलर यहां पर हमारे पास यहां भी रिवर्सेबल होगा। और हमारे पास माइनस वन नाइनटी फोर एनर्जी है कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन को आप यील्ड कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए यील्ड क्या होगी रिमूवल ऑफ अमोनिया आफ्टर रेगुलर इंटरवल तो आपको अमोनिया ज्यादा मिलेगी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा मिलेगी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमें ज्यादा मिलेगी और सेम कंडीशन यहाँ हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी सेकेंड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, करेंगे, करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा यील्ड ज्यादा मिलेगी यहां पर आपने ये पॉइंट याद रखना है जहां भी मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात की जाए जाए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने तभी आपको अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलेगी यहाँ पर हम पीस ऑफ आयरन एड करते हैं इम्बेडेड इन दिक्कस ऑफ एम जीओ एल्यूमिनियम सॉरी सिली ऑक्साइड यहां पर हम, uh, NO, हम यूज कर रहे होते हैं फेवरेबल कंडीशन क्या फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर प्रेशर और ये टेम्परेचर की कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती हैं जहाँ पर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले वो फेवरेबल कंडीशन है या अपने एक पॉइंट याद रखना है रेट और झील में डिफरेंस होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ़ रिएक्शन इंक्रीज होगा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करें रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली इंक्रीज होगा अब किसका किस डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा ये सेपरेट केस ये सेपरेट पॉइंट है जैसे अगर हम प्रीवियस में बात करेंगे टेम्परेचर का कर जो हमने इंक्रीज किया है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है एक्सो में बैकवर्ड का रेट इंक्रीज होगा और एंडो में फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज होगा बट रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज सो इन शॉर्ट ये पॉइंट याद रख लें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एक्सो में बैकवर्ड का और एंडो में फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है सो so, तो ये फेवरेबल कंडीशंस वो कंडीशन होगी यहां पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है प्रेशर भी इंक्रीज किया है प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है हमें अमोनिया जल्दी मिलेगी सो इसकी जीड कम हो जाएगी ठीक है और सेम कंडीशन विद ए एस थ्री के ऊपर और अदर इ में थर्टी फाइव परसेंट अमोनिया बाई अमोनिया सेपरेट करते हैं रेफ्रजरे में वन टेन मिलियन टन अमोनिया प्रोड्यूस पर एन एम और एटी परसेंट यूज एज अ फर्टिलाइजर और थर्टी परसेंट आइट्रोन फिक्सेशन इज डन बाई के थ्रू जो है इसको हम डन करते हैं और अगेन यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनको आपने याद रखने है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि

कुछ करते हैं, इन शिफ्ट इस स्टेटमेंट के फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है, है? So, में, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वी नो दैट रिएक्शन गो टू बैकवर्ड तो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो बैकवर्ड होगी तो बैकवर्ड क्या है रिएक्टेंट साइड की तरफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी और केसी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा कहा प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे सो so, यहां पर ये रिवर्सेबल के साइन है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है यहां पर सो so, अब क्वेश्चन ये पूछा गया विल बी फॉर्म बाय डिक्रीज प्रेशर सो प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है मोर प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम डिक्रीज इन प्रेशर सो डिक्रीज इन प्रेशर अगर हम अल्फा की बात करें यहां प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा बीटा में अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा चाली में प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा और डेल्टा में प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो अगेन रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा सो ऑप्शन इज

डिक्रीज़ प्रेशर करेंगे रिएक्शन क्या होगा बैकवर्ड प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन क्या होगा फॉरवर्ड नाइट्रोजन को विद्रॉ करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा बैकवर्ड सो अगर आपने वो तमाम फैक्टर याद रखें तो आप इजीली हर ऑप्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी इंडस्ट्रियल कंडीशन फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ लिक्विड अमोनिया आर इंडस्ट्रियल कंडीशन के हैं या कि इंडस्ट्रियल कंडीशन जो होती हैं वो ऑप्टिमम कंडीशन होती हैं मीन कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि उसका ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हो मीन कि उसको कम टाइम में मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट की मिल जाए सो इंडस्ट्रियल कंडीशन ऑप्टिमम कंडीशन हैं तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ऑप्टिमम कंडीशन फोर हंड्रेड डिग्री सी है टू हंड्रेड ए टी एम और आयरन कैटलिस्ट के तौर तो पर यूज़ किया जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल कंडीशन ऑफ़ अमोनिया के लिए